प्रधानमंत्री का जापान का दो दिवसीय दौरा शुरू। राजधानी टोक्यो पहुंच पीएम मोदी ने जापानी उद्योगपतियों से की मुलाकात। भारत में निवेश का दिया निमंत्रण। उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र हुआ शुरू। विपक्ष के विरोध के चलते कल 11 बजे तक के लिए स्थगित हुआ यूपी विधानसभा। विपक्ष ने बनाई है योगी सरकार को घेरने की रणनीति। ज्ञानवापी केस में सुनवाई हुई शुरू। वाराणसी की जिला कोर्ट में जारी है सुनवाई। हिंदू पक्ष ने शिवलिंग की पूजा करने के लिए दायर की है नई याचिका। आजम खान और बेटे अब्दुल्ला ने ली विधायक पद की शपथ। शपथ लेने के बाद वापस रामपुर लौट गए आजम खान। विधानसभा सत्र में नहीं हुए शामिल। बिहार में सियासी उलटफेर की चर्चा। बिहार के सीएम का अपने विधायकों को फरमान। नीतीश कुमार बोले, अगले 72 घंटे पटना से बाहर ना जाएं विधायक। बिहार में गरमाया जातिगत जनगणना का मुद्दा। नीतीश कुमार ने 27 मई को बुलाई सभी दलों की बैठक। जातिगत जनगणना को लेकर होगी चर्चा। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के बीच तेज हुई खींचतान। बीजेपी नेता किरीट सोमैया की पत्नी ने शिवसेना सांसद संजय राउत को भेजा 100 करोड़ का मानहानि का नोटिस। राउत ने सोमैया और उनकी पत्नी पर लगाए थे गंभीर आरोप। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज। सीएम गहलोत ने आज से शुरू किया जनता दरबार। हफ्ते में 3 दिन पीसीसी में मंत्री करेंगे जन सुनवाई। हरियाणा शहरी निकाय चुनाव की तारीख का हुआ ऐलान। 19 जून को होगा निकाय चुनाव के लिए मतदान। 22 जून को आएंगे नतीजे। कोरोना की धीमी पड़ी रफ्तार। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2022 केस आए सामने। 46 की गई जान। क्वाड समिट से पहले जापान के फेमस अखबार में छपा पीएम मोदी का लेख। भारत और जापान सुरक्षित हिंद प्रशांत क्षेत्र के अहम स्तंभ। कोविड-19 महामारी के बाद की दुनिया में भारत जापान के बीच करीबी सहयोग। पीएम मोदी के जापान दौरे के बीच क्वाड सम्मेलन से पहले चीन ने दिखाई तल्ख तेवर। कहा, हिंद प्रशांत रणनीति का विफल होना तय। सऊदी अरब में कोरोना का कहर जारी। बीते 24 घंटे में मिले 414 नए कोरोना केस। भारत समेत 16 देशों की यात्रा पर लगाया बैन। श्रीलंका के संविधान में 21वां संशोधन आज मंजूरी के लिए मंत्रिमंडल के पास भेजा गया। राष्ट्रपति गोटवाया राजपक्षे की घट सकती हैं शक्तियां। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के बीच 3 और बीमारियों ने बढ़ाई चिंता। मंकी पॉक्स, हेपेटाइटिस और टोमेटो फ्लू ने कई देशों में दी दस्तक। स्वास्थ्य अधिकारियों के सामने नई चुनौतियां। अक्षय कुमार और मानुषी छिल्लर की फिल्म पृथ्वीराज 3 जून को होगी रिलीज। फिल्म में कई चीजें की गई रिक्रिएट। फिल्म को रियल दिखाने के लिए निर्माता आदित्य चोपड़ा ने किया 25 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च। कार्तिक आर्यन की फिल्म ने किया कंगना का बुरा हाल। 3 दिन में भूल भुलैया ने की बंपर कमाई तो धाखड़ की मुश्किल से बिक रही टिकट। आईसीआईसीआई बैंक ने सीनियर सिटीजन को दिया तोहफा। गोल्डन ईयर्स एफडी स्कीम की ब्याज दरें बढ़ाई। बुजुर्गों को मिलेगा फायदा। पंजाब नेशनल बैंक ने 2021-22 में एटीएम ट्रांजैक्शन चार्जेस से कमाए 645 करोड़ 67 लाख रुपए। मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाने वाले ग्राहकों से की 239 करोड़ 9 लाख रुपए की कमाई। अफ्रीका सीरीज के लिए 37 की उम्र में टीम इंडिया में वापसी। भावुक हुए दिनेश कार्तिक। बोले, अगर आप खुद पर विश्वास करते हैं तब सब कुछ आपके हक में होता जाएगा। आप सभी के समर्थन और विश्वास के लिए शुक्रिया।